चालीस परसेंट का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं ठीक है चालीस परसेंट का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं दिस इज माय प्रोफाइल लिंक यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप लोग मिस नहीं करें तो स्टूडेंट्स प्लस पे आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और सभी आपको लाइव पढ़ाएंगे रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको लोगों को मिल जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज रेगुलर डाउट क्लियरिंग लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी का एंड मतलब दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप रिक्वास प्रिपरेशन सब चीज जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स प्राइस ड्रॉप अलर्ट सिद्धांत लाइव और इस कोड जो है चालीस परसेंट तक का डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं ठीक है तो ये ऑफर जो है आपका सीडीएसएफ कार्ड पे वैलिड है

सिद्धांत लाइव यूज कीजिएगा और पाइएगा चालीस परसेंट का डिस्काउंटेंट्स का चलिए जी शुरू करते हैं तो क्लास फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा दुल्हारा सा शगुन एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का एंड वी आर रेडी टू रॉक तो स्टूडेंट्स देखिए पहला क्वेश्चन डैश द रिलीजियस साइड ऑफ इचर अपियर इन द मेजोरिटी ऑफ दिस प्लेस देखो ग्लिम्सिस की और के का की, के, के, के लिए हम लोग जो है ऑफ लगाते हैं भाईस. का की, के के लिए हम लोग जो है ऑफ लगाते हैं तो ग्लिम्सिस

प्लस रिफ्लेक्स प्रोनाउन प्लस फ्रॉम फ्री फॉर्म समथिंग यार ये तो आपको कॉमन सेंस से ही आता होगा यार इतना तो आप लोग मतलब होशियार हैं ही ठीक है तो लो जी नेक्स्ट देखते हैं ही deserted the path of honor and went down ashes doom quickly तो गाइस यहां पे ना आपको एक idiom करवाता हूं go down One stone. To go down टू वन स्टून ठीक है तो गो डाउन टू वन स्टून इसका मतलब होता है कि भाई जो किया कराया है उसका मतलब सब फल मिल जाना ठीक है ओके तो रहीम फेट ग्रेट एनविटी डैश स्म ठीक है देखो देखोगाटी जो होती है ये क्या होती है शत्रुता मतलब दुश्मनी एनमिटी इज ऑलवेज टू वर्ड एनमिटी इज ऑलवेज टू वर्ड सम राइट तो रहीम फेल्ट ग्रेट एनमिटी टू वर्ड ठीक है तो वही आंसर इज क्लियरली और सी पार्ट नेक्स्ट देखते बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव द होल हाउस गाइस याद रखना है एनगल्फ आग की चपेट में आ गया था आग की चपेट में आ गया था राइट तो दिस इज इट तो आंसर इज योर बी पार्ट सो सिंपल यार सो सिंपल नेक्स्ट देखते हैं ही डिड नॉट इंटर इंटरफेस नहीं गई यहां पे ना इंटरफियर है इंटरफियर uh, ही डिड नॉट इंटरफियर देखो ऑब्वियस बात है हम बोल रहे हैं भाई हमारे फैम, फ, आ, फैमिली के मामलों में इंटरफियर मत कर इंटरफियर इन समथिंग ठीक है इन समथिंग राइट तो आंसर इज योर ए पार्ट वेरी सिंपल लॉजी नेक्स्ट देखते हैं द फ्रीडम फाइटर्स वो आर इंडिकेटेड डैश रिलियन अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका इंडिकेट इंडिकेटेड फॉर समथिंग होता है ठीक है तो इंडिकेटेड इन इंडिकेटेड ऑफ इंडिकेटेड एट इंडिकेटेड फॉर तो भाई साहब है ना इसके वास्ते उनको इंडिकेशन दिया गया कि भाई ये कर कर दो ठीक है तो लीजिए नेक्स्ट देखते हैं He has no feeling dash the sufferings of. Obviously बात है यार ये तो बचपन से यूज करते आए हैं हम लोग फीलिंग फॉर है ना Feeling. i'm feeling for you i don't feel for you i have feelings for her i have the feelings 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 for 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 the so, answer is your c c c more simple logic syllogism logi last question if you stand dash me in my hour of need i'll never forget you okay if you stand by समवन ठीक है स्टैंड बाय समवन तो यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब लो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है दो दो विद दे दिया भैया जी हमारा जिंदगी बर्बाद होएगा गया ठीक है तो रियली सॉरी फॉर दिस इसका आप ग्रेस ले सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है स्टैंड बाय समवन मींस टू बी

बहुत अच्छा लगा ये महीना बहुत बिंदास गया अगले महीने और नई चीज़ों के साथ आएंगे और लाइव क्लासेस भी लेंगे ये महीने ठीक है तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स टेक केयर सेल्स जय हिंद गाइस बाय बाय